हेलो गाइस, और क्या हाल चाल सबकी। तो एक सवाल है कॉन्टीन्यूसली मेरे पास आ रहा, टाइम नहीं था इसलिए बोल नहीं पा रहा था और ना ही इतने लोगों को रिप्लाई दे पाऊंगा। शेरू क्लासिक क्यों नहीं खेला? तो यार सीधा सिंपल सा फंडा है, मैं समझता हूँ कि जब तक मैं खुद की नज़रों में प्रो ना बन जाऊँ, हाँ कि मुझे प्रो शो खेलना चाहिए, तब तक उस स्टेज पे जाना मेरे लिए आई एम नॉट कम्फर्टेबल। सीधा तो फंडा ये, तो जिस दिन मैं खुद को लगेगा कि हाँ भैया मैं प्रो के लिए रेडी हूँ, तो उस दिन प्रशांत महक प्रो शो में स्टेज पे खड़ा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये रीज़न है कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। सो बाकी भी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, जो भी वीक पार्ट है जल्दी एक अच्छे अपडेट के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी। और बहुत सी चीज़ें हैं, एक मैजिक होने वाला है जिस चीज़ का मे भी सबको इंतज़ार था, इवन सबसे ज़्यादा तो मुझे, तो वो चीज़ भी जल्दी होने वाली है। तो तुम लोग का प्यार तो है ही है, बाकी थोड़ा प्यार में कमी ना नज़र आए तो एक्चुअली मेरा मोटिवेशन लेवल लाउड होने लगता है। तो जुड़े रहो ऐसे ही, कुछ इंटरेस्टिंग और बड़ा होने वाला है ना, और इस बार होगा आई प्रॉमिस, है ना। तो और बाकी जो लोग नफरत करते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं लाइव वाइव आता हूँ तो लोगों के कमेंट्स देख के अच्छा भी लगता है और नहीं भी लगता है, लेकिन क्या करें यार, हर कोई आपको प्यार नहीं कर सकता ना, आपके और ज़्यादातर आपके अपने ही आपको नफरत की नज़र से देखते हैं। कोई तुम्हें सक्सेस की होता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है यार, ये उनकी मेंटेलिटी है, हमें क्या करना है ना। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, जो लोग भी गंदे कमेंट या गाली वाली देते हैं लाइव में, ऑब्वियसली मुझे ही देते होगे, तो भाई मुझे कोई बुरा नहीं लगता तुम लोग की बातों का। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, जिस दिन तुम उस लेवल पे खड़े होगे जिस लेवल पे मैं हूँ या तुम्हारा कोई आइडल है जिसको मानते हो तुम, उस लेवल पे तुम खुद खड़े होगे, उस दिन माइंडसेट सोचना हो कि हाँ मैं उसको गाली देता तो उसको कैसा लगता होगा, बस इतना था, जब तुमको कोई गाली देगा। ठीक है यार, तुम्हारी मेहनत है, तुम आगे जाओ, गॉड ब्लेस यू। बाकी शिव जी भोले बाबा ने चाहा तो भी, तो स्टार्टिंग पॉइंट है यार, अभी से इतना नफरत करने लगे। चलो इतना ही बोलना था, बाय बाय, टेक केयर, आई होप कि तुम्हारे घर में सब अच्छे होंगे, ख्याल रखो घर का अपना भी, और कुछ ना कुछ डेली लाइफ में करते रहो यार, एवरीवन नीड्स टू ग्रो इन लाइफ, है ना। अगर किसी चीज़ से इंस्पायर होते हो उसको, जरूरी नहीं कि उसको कॉपी करो, उसको देखो वो क्या करना चाह रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग, कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो करो, कुछ बन के दिखाओ, माँ बाप को प्राउड फील करो यार, है ना। चलो बाय बाय, गुड नाइट, है ना, मेरा भी टाइम हो गया, मेरा भी कार्डियो ख़त्म, बाय।